सभी को नमस्कार। मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने कोई खास काम किया नहीं होगा, लेकिन मैं तो अपना कार्य रोक नहीं सकता हूँ। चलिए आज कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से विकी एडुकेटर पर नए पेजेस और लिंक्स दिए जा सकते हैं। दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट न्यू पेजेस एंड लिंक्स ऑन विकी एडुकेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नया पेज, जिसकी बात हम पहले से करते आ रहे हैं, कि किस तरीके से कंटेंट विकी एडुकेटर पे क्रिएट किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा है कि आपका यूजर पेज तो आप लोग देख ही चुके हो, अभी तक एडिट नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट किस तरीके से उसमें रखा हुआ है ये आप लोगों ने देखा है। अब हम एक काम करते हैं कि हमें कोई नया आर्टिकल तैयार करना है। तो मान लीजिए हमें नया आर्टिकल रीजनल पे तैयार करना है, तो आप ब्राउजर पे आएंगे, जो यूआरएल बार है वहां पर आप टाइप करिए विकी एडुकेटर डॉट ओआरजी। ये तो आप सभी को पता है कि ये यूआरएल एड्रेस है विकी एडुकेटर का। तो विकी एडुकेटर डॉट ओआरजी टाइप करने के बाद स्लैश देंगे, ये जैसे कि अभी मैंने ये स्लैश दिया, इसको हम कहते हैं बैक स्लैश। तो बैक स्लैश देने के बाद आप क्या करेंगे, जिस नाम से आपको नया पेज बनाना है वो वहां पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं रीजनल नाम पे नया पेज बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने रीजनल टाइप किया, उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपको, अगर इस नाम से कोई पेज तैयार है तो उस लिंक पे ले जाएगा, और अगर पेज तैयार नहीं है तो आप इस प्रकार का पेज फिर से क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट का स्पीड थोड़ा स्लो है, इसलिए टाइम लग रहा है। कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है इंटरनेट। तो देखिए, रीजनल जैसे हमने टाइप किया और एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कंटेंट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देर इज करंटली नो टेक्स्ट इन दिस पेज, यू कैन सर्च फॉर दिस पेज टाइटल इन अदर पेजेस, सर्च द रिलेटेड लॉग्स और एडिट द पेज। इसका मतलब रीजनल नाम से कोई पेज विकी एडुकेटर पे तैयार नहीं है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखनी होगी, वो ये है कि किसी भी पेज को क्रिएट करना या एडिट करना, उसके लिए आप लॉगिन होना जरूरी है। जैसे कि मैं लॉगिन हूं और वो यहाँ पर मेरा नाम, मेरा यूजर नेम शो कर रहा है, इसका मतलब मैं लॉगिन हूँ। जब हम पहली बार किसी पेज को तैयार करते हैं, तब ये क्रिएट सोर्स का टैब यहाँ पर आएगा, और एक बार अगर वो पेज बन जाता है तो फिर क्रिएट सोर्स नहीं, एडिट सोर्स नाम से टैब वहां पर अपियर होगा। तो हम क्रिएट सोर्स पे क्लिक करते हैं। क्रिएट सोर्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिंग बॉक्स। एडिटिंग बॉक्स में ये कुछ बटन से इनकी मदद हम ले सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से इस पेज को तैयार किया जाए। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं जो कुछ कंटेंट टाइप करूंगा, अभी मैं आपको सिस्टमेटिक कंटेंट टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट जो कुछ कंटेंट मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, तो वो आप कुछ देर बाद अगर उसे सेव करते हैं, नीचे आएंगे, नीचे आपको पता है कि दो तीन टाइप्स दिए हैं। इसमें से शो प्रीव्यू का मतलब है आपने जो कोई कार्य किया है वो कार्य करने के बाद कैसे दिख रहा है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से ये सीधा सीधा एक लाइन में हमें टेक्स्ट दिखा रहा है। तो उसके बाद आपको इसको सेव करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेज है हमारा, इसके ऊपर हमने कोई खास कार्य नहीं किया, तो हम इसे सेव नहीं करेंगे, हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगर हमने इसको सेव कर दिया होता तो ये विकी एडुकेटर डॉट ओ आर जी स्लैश रीजनल नाम से इंटरनेट पे आ जाता। अब ऐसे आप जब नए पेजेस बनाते हो और आपने उसको कहीं पर लिंक नहीं किया, तो कुछ समय बाद आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि किस नाम से आपने पेज तैयार किया था। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जो यूजर पेज है, जैसे कि अभी मैंने वंदना ठाकुर का यूजर पेज यहाँ खोल रखा है, आप अपने यूजर पेज पे आके जो पेज आपने तैयार किया है इसकी लिंक वहां पर दे दीजिए।
जैसे कि मान लो ये वाली लिंक है, इसको कॉपी करेंगे और वहां जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। अब पहला कार्य आज का हमारा ये था कि किस तरीके से नए पेजेस बनाया जाए। अब दूसरा कार्य, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने नया पेज बनाया लेकिन उसको कहीं पे लिंक नहीं दी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका नया कार्य कहाँ पर है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी प्रकार की कुछ इंटरनल लिंक्स होती है, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होती है, उनको किस तरीके से हमारे पेज के साथ जोड़ा जाए इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल लिंक के ऊपर बात करेंगे। इंटरनल लिंक का मतलब यह है वो लिंक्स जो विकी एडुकेटर पर अवेलेबल है, मतलब वो पेजेस को हम लिंक कर रहे हैं जो पहले से विकी एडुकेटर पर बने हुए हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं, उसमें से मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने अगर थोड़ा भी काम किया है तो आपको पता है, अगर नंबरिंग करना है तो हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने हैश दिया क्योंकि मैं आपको पहला तरीका बताना चाह रहा हूं। चलिए मैं काम करता हूं, इस पेज के थोड़ा नीचे अंत में आके पूरा तरीका ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अंत में शायद आपको इतना ठीक से नजर ना आए, तो यहीं पर मैं एक नई लिंक स्थापित करता हूं जिसको हम टाइटल देंगे इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स, तो किस तरीके से इंटरनल लिंक स्थापित की जाए, इसमें से पहला तरीका, आप विकी एडुकेटर पर जो भी कुछ अवेलेबल है, जिस लिंक को आप देना चाहते हो, आप क्या करिए, उसका ये जो नाम है जो wikieducator.org के बाद आता है, उसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप यहां पर ले आइए। यहां आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, उनकी संख्या होगी दो। वो दो स्क्वायर ब्रैकेट को देने के बाद आप वो जो मैंने वहां से मेरा अपना यूजर नेम कॉपी किया है, इसके अलावा थोड़ी देर पहले हमने जो ओरिजिनल बनाया था वो ओरिजिनल भी हो सकता था, और इसको बंद कर दीजिए फिर से दो स्क्वायर ब्रैकेट से। अब आप इसको जब प्रीव्यू में देखेंगे आपको ये नजर आएगा कि ये किस तरीके से दिखता है। हमने ये इस तरीके से इसको तैयार किया। तो मैं काम करता हूं, इस पेज को मैं सेव करता हूं, और सेव करने के बाद केवल उसी बॉक्स पे आता हूं जहां पर हमारी एडिटिंग चल रही है। तो हमारी एडिटिंग यहां पर चल रही है इंटरनल लिंक्स पे। तो एक एक अभी आपने देखा एक तरीका। दूसरा तरीका है इसका, आपको जो लिंक देनी है वो लिंक पाइप के मदद से सेपरेट होगी। पाइप कहाँ है मैं आपको बताता हूं। पाइप लिंक, इसको हम कहते हैं पाइप लिंक, ठीक है। तो पाइप लिंक के लिए अब सबसे पहले तो ये पाइप क्या है ये जानना जरूरी है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है आपका बैक स्लैश का, ये सिंबल है सॉरी, इसके पहले का जो सिंबल है ये फॉरवर्ड स्लैश है, और ये जो सिंबल है ये बैक स्लैश है। तो ये बैक स्लैश का सिंबल जहां पर है, इस प्रकार का ये जो बैक स्लैश का सिंबल जहां पर है वहीं पर पाइप होता है। तो आपको शिफ्ट दबा के, शिफ्ट का बटन दबा के, जैसे ही आप बैक स्लैश को प्रेस करेंगे वो पाइप दिखाएगा। पाइप मतलब एक खड़ी लाइन। तो इस खड़ी लाइन के मदद से, पाइप के मदद से हमें अभी आप लिंक देनी है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो पहले बार हमने टाइप किया था मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे के ऐसे ही फिर से यहाँ पर टाइप करना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यूजर कोलन पी संजय कुमार, ये कोई पेज का नाम था, यहां मैंने इसको सेपरेट किया पाइप से। अब क्या है कि मैं जब इसको सेव करूंगा, मैं यूजर कोलन पी संजय कुमार जैसा वहां पे देखना नहीं चाहता हूं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। तो ये जो पेज है ये संजय कुमार पन्नागले का पेज है, तो मैंने वहां पर संजय कुमार पन्नागले टाइप किया। आइए देखते हैं इसको शो प्रीव्यू करने के बाद ये किस तरीके से नजर आता है। अब आप देखेंगे ये हमारा पहला तरीका था जो हमने इसके मदद से तैयार किया था, ये इसके मदद से तैयार किया था, यह हमने पाइप नहीं दिया।
जब दूसरे बार हमने पाइप दे के डिस्क्रिप्शन दिया तो आप देख रहे हो कि ये कुछ अलग तरीके से नजर आ रहा है, सीधा सीधा नाम मेरा इसमें नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको उस पेज पे लेके जाएगा। अब इसमें कुल मिला के दो तरीके थे कि किस तरीके से इंटरनल लिंक दी जा सकती है। अब हम इसके बाद अगले सेक्शन पे आते हैं जहां पर हमें एक्सटर्नल लिंक तैयार करनी है, एक्सटर्नल लिंक्स। इसमें तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो बहुत आसान है, आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा जो भी एक्सटर्नल लिंक का मतलब है जो विकी एडुकेटर पर बने नहीं है, वो आरआई भोपाल की वेबसाइट हो सकती है या फिर कोई अन्य एनसीईआरटी की वेबसाइट हो सकती है या कुछ और, आप उसको किस तरीके से आपके पेज के साथ लिंक करेंगे। तो इसमें से हम पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके में आपको कुछ नहीं करना होता, आप सीधा मैं आरआई भोपाल की वेबसाइट यहाँ ओपन कर रहा हूँ, rivbhopal.nic.in। तो ये जो इसका URL है, इस URL को आप सीधा कॉपी करिए और यहां आके पेस्ट कर देंगे। हमने देखा, अब हम देखते हैं कि ये पेस्ट करने के बाद किस तरीके से नजर आता है। ये सीधा सीधा एक लिंक के स्वरूप में आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पर नजर आता है। लेकिन ये कोई हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहला तरीका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये तरीका भी चलता है, जहां जरूरत है उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में आपको जो स्क्वेयर ब्रैकेट है उस स्क्वेयर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखिए इंटरनल लिंक के लिए हमने दो स्क्वेयर ब्रैकेट यूज किए थे पहले और आखिर में, एक्सटर्नल लिंक के लिए केवल आपको एक स्क्वेयर ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पहला जो आरआई भोपाल की वेबसाइट को आपने कॉपी किया था, पेस्ट किया था कॉपी करके, उसको फिर से एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करिए, यहाँ पर एक स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आपको अभी इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, फिर अंत में एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। जे अभी आप देखेंगे कि आपको यहां पर वेबसाइट नजर नहीं आएगी, आपको अब इसका डिस्क्रिप्शन नजर आएगा, ये वाला, ये दूसरा आप देखिए। पहले बार हमने केवल यूआरएल को कॉपी किया और पेस्ट किया, इस तरीके से नजर आ रहा था, दूसरे बार हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया तो अभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल इस तरीके से नजर आ रहा है। एक और तीसरा तरीका है, कई बार हम साइटेशन देना चाहते हैं, तो साइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसके लिए तीसरा तरीका काफी अच्छा है। तीसरे तरीके में आप क्या करोगे कि ये जो आरआई भोपाल का वेबसाइट आपने कॉपी किया था, यूआरएल कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर देंगे और शुरुआत में एक सिंगल ब्रैकेट और अंत में एक सिंगल ब्रैकेट, इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये एक नंबर के फॉर्म में आपको शो करेगा, ये देखिए यहां पर अभी ये नंबर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ट्यूटोरियल काफी है, इसके मदद से आप लोग तीन चीजें आज सीखे। सबसे पहले आपने सीखा कि किस तरीके से नया पेज बनाया जाता है, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आप नया ब्राउजर खोलेंगे, न्यू टैब खोलेंगे, वहां पर wikieducator.org टाइप करेंगे / आपको जो कोई पेज का नाम देना है वो पेज का नाम देंगे, आपका आपको लगता है कि आपका कार्य ठीक ठाक हो गया / के बाद, जैसे कि हमने रीजनल दिया था, अगर इस नाम से पेज है तो वो दिखाएगा, नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते। क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आपको मैंने चिट चैट शीट पे ऑलरेडी दे दिए है, तो उसके मदद से आप कंटेंट आगे बना सकते हैं। हमने बाद में ये देखा कि किस तरीके से लिंक तैयार की जाए, तो उसमें पहली लिंक जो थी हमारी वो इंटरनल लिंक थी, उसके लिए सबसे पहले हमने सिंपल इस्तेमाल किया, दो ब्रैकेट से, दो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया, फिर पाइप लिंक की बात की, फिर एक्सटर्नल लिंक की बात की। एक्सटर्नल लिंक में फर्दर तीन प्रकार थे, तो मैं इसको अभी फाइनली सेव करूंगा। आप देखेंगे सेव करने के बाद ये सारी चीजें
अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। तो अभी तक जो हमने काम किया वो ये दो कार्य है, एक तो इंटरनल लिंक का, दूसरा एक्सटर्नल लिंक का। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।